प्लीज बच्चा, तुम चली जाओगी तो मैं बिल्कुल अधूरा हो जाऊंगा। बच्चा प्लीज रुक जाओ, प्लीज बच जाओ। पता नहीं मैं तुम्हें माफ कर पाऊंगी कि नहीं, पर तुम्हारे और मेरे बीच में एक डोर है, हमारी ईशा, और उससे मिलने का बहुत मन कर रहा है। क्या तुम, मैं और ईशानी यूएस जा सकते हैं ईशा से मिलने? हम सब जाएंगे ईशा से मिलने, मैं टिकट करवाता हूं। सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर, नकली से नखरे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर। तेरे मुखड़े पे जैसे काला धूल जचता है तेरे चम पे, अपनी अदाओं से ज्यादा नहीं तो 10-12 लड़के तो मार ही देती होगी तू दिन में। तुझे जैसे 36 फिरते हैं मेरे वर्गी और न होनी वे, और न होनी वर्गी और न होनी। तू मुंडा बिल्कुल देती है, मैं कटदी ना तो सूनी वे। के बात हो गई इंस्पेक्टर साहब? हमारे पास मिस्टर अलावत के खिलाफ सर्च वारंट है, हमें इनकी गाड़ी की तलाशी लेनी है। ऐसा सर्च वारंट, मगर हुआ क्या? बात क्या है, ये तो गाड़ी की तलाशी लेने के बाद ही पता चलेगी सबको। मिस्टर अलावत प्लीज गाड़ी की चाबी। मिस्टर अलावत, शायद वो सफाई वाला कपड़ा फंस गया है इसलिए नहीं खुल रहा। मैं कोशिश करूं? मैं खोलता हूं। अरेस्ट हिम। मीत, हमने हॉस्पिटल के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए, उसमें हमें मिस्टर अलावत वहां जाते हुए और वापस बाहर आते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं, और हमने वो सारे वीडियोस भी बरामद किए जिसमें मिस्टर अलावत नीलम को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और इन्हीं सभी सबूतों के आधार पर हम इनकी गाड़ी चेक करने आए थे, और अब इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं कि नीलम का खून मिस्टर अलावत ने ही किया है।
मेरा मेरा मीत मेरा मीत किसी का खून ना कर सकता इंस्पेक्टर साहब, आप अपने सबूत में ले होंगे पर यू आपकी गलत फहमी भी तो हो सकती है। मीत किसी का खून ना कर सकता, तूने यो ना किया है ना मीत, मीत तू गुस्से में गलत कदम उठा लेता है पर तू किसी का खून ना कर सकता है ना। मीत मेरी तरफ देख रहा, मीत मीत मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ, मीत बोल ना, तूने ना किया, तूने ना मारा नील नीलम पर के, मीत नीलम तूने नीलम ने ना मारा है ना, तूने ना किया ना, यो कौन भरोसा करती हो तुम मुझे? हाँ मैंने नहीं किया मीत। क्या तुम मेरे दिल की धड़कन को महसूस कर सकती हो मीत? क्या तुम समझ सकती हो कि मेरे दिल की धड़कन तुम्हारे होते हुए इतने आराम से चल रही है? पता है क्यों? क्योंकि तुम इस दिल की धड़कन की ढाल हो, क्योंकि तुम इस दिल की ताकत हो, और जब तुम हो तो फिर मुझे किसी चीज की फिक्र करने की क्या जरूरत है? तुम हो तो तुम मुझे मौत के मुंह से भी खींच कर ला सकती हो। तुम वो हो मीत जब इस सारी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी हो जाए और इस दुनिया में एक भी इंसान मेरे साथ खड़ा ना होना, तब मेरी मीत इस मीत के साथ खड़ी होगी। तुम वो हो जो मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती है, और उससे ज्यादा मोहब्बत मुझे और कोई कर नहीं सकता। सच है मीत, बिल्कुल सच है। पूरी दुनिया में ना मेरे से ज्यादा तन्ने और कोई ना प्यार कर सकता। मैं जानता हूँ। पर तन्ने पता है, बनने ताकत कहाँ से मिलती है? तेरे ते। एक बात मेरी ध्यान से सुनो। इस दुनिया में जब दो लोगों के दिल जुड़ जाते हैं ना, तो फिर इस दुनिया की कोई भी ताकत, कितनी भी दूरियां, दो दिलों को कभी एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। और फिर भी तुम्हें ऐसा लगे कि मैं तुम्हारे पास नहीं हूं, तो अपनी आंखें बंद कर लेना मीत, आंखें बंद करके अपने मीत को याद करना। तुम्हारा मीत तुम्हारे पास होगा। क्योंकि पूरे चंडीगढ़ में आपसे बेहतर और आपसे जानकार क्रिमिनल लॉयर और कोई भी ना है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे मीत का केस लड़ें। क्या बात है अनुराग जी, क्या सोच रहे हैं आप? कोई दिक्कत है क्या? आपकी जो भी फीस है, जितने भी पैसे हैं, हम सब देने के लिए तैयार हैं, आप बस एक बार हाँ बोल दीजिए। अनुराग जी, किस सोच में डूब गए आप? मिस्टर अहलावत का केस लड़ने के लिए मैं रेडी हूँ। जी थैंक यू, मैंने पूरा यकीन है आप केस लड़ेंगे ना तो मेरा मीत छूट जाएगा, उस पर लगे सारे झूठे इल्जाम सब मिट जाएंगे। मैं केस की फाइल भिजवा देती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है मीत।
ताज्जुब है, आज कोर्ट में कोई वकील नजर नहीं आ रहा। आज तक के मेरे करियर में ऐसा पहली बार हुआ है। ना तो डिफेंस की तरफ से कोई लॉयर है और ना ही प्रोसिक्यूशन की तरफ से। जज साहब मैं माफी चाहती हूँ, पर डिफेंस की तरफ से लॉयर बस थोड़ी देर में पहुंचते ही होंगे। हमारी तरफ के भी प्रोसिक्यूशन लॉयर आने वाले हैं। योर ऑनर, मैं इस केस में प्रोसिक्यूटर लॉयर हूं और मैं ये केस बर्फी देवी की तरफ से लड़ूंगा। मिसेज मीत अहलावत, क्या आप इस केस पर आर्गुमेंट करने के लिए क्वालिफाइड हैं? योर ऑनर, मैंने वकालत की पढ़ाई तो ना की है, पर मैं पुलिस की जॉब में ऐसा ही थी, इसलिए मैंने कानून के बारे में जानकारी है। और कानून का सबसे पहला धर्म यो है सच्चाई ने सामने लाना और किसी बेगुनाह ने सजाना दिलाना। मिस्टर अनुराग, मिस्टर अहलावत की तरफ से मिसेज मीत अहलावत ये केस लड़ती हैं, तो इस बात पर आपको कोई ऑब्जेक्शन है? नो योर ऑनर, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मैं तो इनकी बात से अग्री करता हूँ कि सच सामने आना चाहिए। मेरी भी वही कोशिश रहेगी। मिस्टर मीत अहलावत की तरफ से मैं मिसेज मीत अहलावत को ये केस लड़ने की परमिशन देता हूँ। ऑल द बेस्ट। अपने पति को अपने हाथों से सजा दिलवाओगे, दिल को कितना चैन मिलेगा ना। प्रोसिक्यूशन इस केस के लिए अपना पक्ष रख सकते हैं। यह है सीधी सादी नीलम की तस्वीर। मीत, मीत, मीत।
ऑर्डर ऑर्डर मिस्टर मीत अहलावत अभी के अभी मिस्टर अनुराग को छोड़िए। मीत की कर रहा है मीत मीत शांत हो जा की कर रहे हैं मीत यू बस तुमने भड़काने की कोशिश कर रहा था। एक बार मीत पर कोई भी इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोच लेना। मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ, आप जाकर कटघरे में खड़े हो जाइए। आप सब लोग बैठ जाइए। जिरोना, आपने देखा इस इंसान ने सबके सामने कोर्टरूम में मुझे जान से मारने की धमकी दी, और यही वो गुस्सा था जिस गुस्से की वजह से इसने नीलम का खून किया। इसके गुस्से की वजह से और लोग ना मरे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस इंसान को इस केस में उम्र कैद या फिर फांसी की सजा सुनाइए। योर ऑनर, मैंने सुना है कि कानून बिना सबूत के कोई भी फैसला ना लेता। मैं अदालत से दरख्वास्त करती हूँ कि मैंने कुछ समय की मोहलत दी जाए ताकि मैं कुछ सबूत इकट्ठे कर सकूं और अपने पति ने बेगुनाह साबित कर सकूं। मीत अहलावत, कोर्ट आपको 3 दिन का टाइम दे रही है खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए। फाइनल हियरिंग सुनने के बाद कोर्ट अपना फैसला सुना देगी, तो आप दोनों 3 दिन के अंदर अपने सारे सबूत कोर्ट में पेश कर दें। द कोर्ट इज एडजर्न। तुम्हारी वजह से मेरी अमृता अपाहिज हुई है। अब मैं तुम्हें, तुम्हारे प्यार को और तुम्हारी खुशियों को इस कदर अपाहिज कर दूंगा कि तुम चाह के भी मिस्टर अहलावत को बचा नहीं पाओगी। मैं तुमसे तुम्हारा प्यार छीन लूंगा और तुम मुझे चाहकर भी रोक नहीं सकती। तुम्हारी सजा का वक्त आ गया है मीत हुड्डा। जानते तू ना होगा शहर का बड़ा नामी वकील, पर प्यार के मामले में ना तू बिल्कुल अंगूठा छाप है। तूने सच्चा प्यार ना किया, और अगर तूने अमृता से सच्चा प्यार किया होता तो दो प्यार करने वालों को अलग करते हुए ना तेरी आत्मा कांप जाती। अरे मन ने तो तरस आता है अमृता पर, जिसकी जिंदगी में तेरे जैसे इंसान। चुप हो जा बिल्कुल। तू चुप हो जा और मेरी बात ना ध्यान से सुन। अगले 3 दिनों में मैं नीलम के असली कातिल ने ढूंढूंगी और सबके सामने लेकर आऊंगी। मतलब कितनी मेहनत, कितना जुनून लगता होगा ना एक ही बात ने इलास्टिक की तरह खींच खींच के बाल की खाल निकालने में। मेरा मतलब है ब्रेकिंग न्यूज देते देते आप लोग खुद ही ब्रेक हो जाते हो। ना खाने की सुध, ना पीने की सुध, बस 24 घंटे कैमरा और माइक ताने लगे रहते हो और सोचते भी ना हो कि अंजाम क्या होगा। बहुत तो बढ़िया बात है, पर यहाँ ऐसा ना चलेगा। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, आराम से खाइए। अरे रिपोर्टर साहब, आप तो कुछ लेना रे, समोसा ट्राई करो बड़ा अच्छा। अरे ट्राई करिए।
इसके बाद ना मैं आप सब ने एक तड़कती भड़कती एकदम गर्मा गर्म ब्रेकिंग न्यूज दूंगी। इसी केस से जुड़ी हुई बेटा, ये सब हो क्या रहा है और तुमने जर्नलिस्ट को घर के अंदर क्यों बुलाया? ये लोग चैनल में अनाप शनाप दिखा रहे हैं मेरे बेटे के बारे में, तुम इन सबका आदर सत्कार कर रहे हो? मम्मी जी, पापा जी, बस थोड़ी देर और उसके बाद मैं आप लोगों के सारे सवालों का जवाब दे दूंगी। पर मीत, तो भाई तैयार हो आप सब हैं? नीलम हत्याकांड केस ने आज एक नया मोड़ लिया है। कुछ घंटों पहले मन्ने का आदमी का फोन आया जिसने नीलम का कत्ल होते हुए अपनी आंखों से देखा है। वो जानता है कि असली कातिल कौन है और इसी सिलसिले में आज शाम उसने मन्ने मिलने बुलाया है। मिसेस मीत हुडा, कौन है वो? आप नाम बताएंगे उसका? जी, अभी के लिए बस इतना ही बता सकती हूँ। हमारे पास और सवाल है, आप कुछ और बता सकते हैं उनके बारे में? कोई भी ऐसी जानकारी? बस 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 बस, चलिए, थैंक यू थैंक यू। बेटा, वो कौन था जिसने तुमको फोन किया? हाँ, और उसने क्या बताया? वो वापस कॉल करेगा? फोन तो जरूर आएगा, बस थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आ गया फोन? क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारा रचा हुआ झूठ है। वैसे तो तन्ने जवाब देने का मेरे ऊपर कोई दबाव ना है, पर तेरी बेचैनी बढ़ाने के लिए तन्ने तना जरूर बताऊंगी। जहाँ सीसीटीवी ना होते ना, वहां पर भगवान किसी ना किसी की आंखों होते सब कुछ देख ही रहा होता है। तो बस यू समझ ले कि उन्हीं आंखों ने मन्ने कॉन्टेक्ट किया है। मीत, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, पर तुमने शायद मुझे इस केस में बहुत हल्के में ले लिया। और यही बात इस केस में तुम पर बहुत भारी पड़ने वाली है। तुम भले ही जमीन आसमान एक कर लो, लेकिन तुम्हारा ये आई विटनेस कोर्ट में कभी गवाही नहीं दे पाएगा। ये तो वक्त ही बताएगा वकील साहब। इंसान ना दो चीजों से गलती करता है, पहली गुस्से में और दूसरी डर के। जब तन्ने पता चला कि नीलम का खून होते हुए किसी ने अपनी आंखों से देखा है तो तू डर गया और अपने बिलते बाहर आ गया। अरे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, आई विटनेस, सब कुछ ड्रामा था, झूठ था, तन्ने बाहर लाने के लिए, तन्ने फंसाने के लिए। चल अब अपने हाथ पीछे कर और अपने घुटनों पर बैठ जा। अब क्या ब्रेकिंग न्यूज़ लाई है तुम? तेरी आंखों से झूठ की पट्टी हटाने आई, असली कातिल का चेहरा दिखाने आई हूँ तन्ने। जो तुम मुझे बताने आई हो ना, वो मैं ऑलरेडी जानता हूँ। क्या तुम जानना चाहती हो कि मुझे किसने बताया? खुद प्रताप ने। क्या मतलब? मेरे आने
हफ्ते पहले प्रताप यहाँ आया था तेरे से मिलने। हाँ मुझसे मिलने और तुम्हारा असली चेहरा दिखाने। अपने पति को बचाने के लिए तुमने उस लड़के को पैसे देकर खरीदने की कोशिश की और फिर तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी ताकि तुम उस पर इल्जाम का ड्रामा क्रिएट कर सको और अपने कातिल पति को बेगुनाह साबित कर सको। बकवास कर रहा है तू, झूठा है वो सब। ये सच है मीत हुड्डा। और जब उस बच्चे ने तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया तब तुमने उस पर जोर डाला, उसे धमकी दी, तब वो बेचारा खुद को बचाने के लिए मेरे पास आया और अब तुम उस पर कितना भी जोर डालो ईसानी ने बोला था आने को कल वाली घटना में प्रताप ने उसी की गर्दन पर वार किया था, उसी ने मारने की कोशिश की थी। प्रताप के खिलाफ उसी की गवाही लगेगी पर वो रह कितने गई है। I'm so sorry, मीत ब्रो, मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई, मैं बस आ रही हूँ, बस आ रही। जल्दी आई सानी। या ओके सानी। हेलो ईसानी, ईसानी हेलो, ईसानी, ईसानी नहीं प्रताप, तू क्या कर रहा है वहीं और ईसानी का है? ईसानी भी नीलम की तरह गाड़ी की डिक्की में है। फर्क सिर्फ इतना है कि नीलम मर गई थी और ईसानी बेहोश पड़ी है। प्रताप तक छोड़ दे उसने। ए सुनो सुनो, मुझे पता चल गया है, तुमने और अनुराग जी ने मिलके कोर्ट के बाहर समझौता किया है और तुम दोनों मुझे शिकार बनाना चाहते हो, लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं पाएगा। अब मैं तुम दोनों के साथ खेलूंगा, इसीलिए मैं ईसानी को अपने साथ लेकर जा रहा हूं। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि कोर्ट में मेरे नाम का जिक्र भी ना हो और ईसानी मेरे साथ है इस बात का भनक भी अनुराग जी को ना पता चले। अगर ईसानी जिंदा चाहिए तो कोर्ट से सीधा मेरी बताई जगह पे पहुंचो, वरना मीत हुड्डा केस प्रोसीड कीजिए। खोलो,
छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। किसानी, मैंने बोला ना जा। किसानी तू मेरी फिक्र मत कर, तू जा, पुलिस ने बुला कर लेकर आ। इसका मतलब कि नीलम को प्रताप ने मारा है और मीत को किडनैप किया प्रताप ने। हाँ भाई, क्योंकि प्रताप जान गया था कि आज कोर्ट में वीर ब्रो सबके सामने सच बताकर आपको बेगुनाह साबित करने वाली थी और मैं प्रताप के खिलाफ गवाही देने वाली थी, इसलिए उसने पहले मुझे किडनैप किया और फिर जब वीर ब्रो मुझे बचाने के लिए वहां पहुंची तो प्रताप ने उसे भी अपनी चाल में फंसा लिया। मतलब मीत हुड्डा ने तुम्हें बचाने के लिए सब किया? हाँ अनुराग, और मीत खतरे में, अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, प्लीज। तुम इस वक्त कुछ कर सकते हो? किसी तरह मुझे सिर्फ एक घंटे के लिए मुझे इस कोर्ट से बाहर जाने की इजाजत दिलवा दो, प्लीज। हाउ इज इट पॉसिबल? तुम पुलिस कस्टडी में हो, बाहर कैसे निकल सकते हो यहाँ से? अनुराग मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम एक बड़े वकील हो, कोई ना कोई रास्ता होगा, कोई तरकीब, कोई मोहलत, किसी तरह का कोई रास्ता तो होगा, कोई लूप होल निकालो, प्लीज किसी से बात करो, लेकिन मेरा मीत के पास जाना बहुत जरूरी है। ओके ओके, वेट अ मिनट। अब एक्सक्यूज मी सर, केस नंबर 8910 हाजिर हो। मुलजिम मीत अलावत कोर्ट में हाजिर हो। क्या बात है अनुराग बाबू, मीत अलावत अब तक कटघरे में लाके क्यों ना खड़ा किया गया है? आज उसके पापों का हिसाब होना है, कहाँ मुंह छुपाए बैठा है वो। आप प्लीज अपने गुस्से पे काबू रखिए और शांत रहिए, हम कोर्ट में बैठे। आज थारा तेवर कुछ बदला बदला दिख रहा है मन, चल के रहा है। मिस्टर अनुराग, आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पर हम आपके केस की हेयरिंग एक घंटा डिले शुरू कर रहे हैं, फिर भी अभी तक ना तो मुलजिम यहाँ पर है और ना ही उनका डिफेंस करने वाली मित्र हुडा। योर ऑनर, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, बस कुछ देर और वो आते ही होंगे। अब और वक्त बर्बाद नहीं किया जा सकता, पहले इस केस से जुड़े हुए इंस्पेक्टर को बुलाओ। क्या हम मान लें कि आपसे भी कोई लापरवाही हुई है जिसके लिए हमें आपको दंडित किया जाना चाहिए? योर ऑनर, मुलजिम का कोर्ट में पेश ना होने का जिम्मा मैं अपने ऊपर लेता हूं और आपसे दरख्वास्त करता हूं कि हमें कुछ देर की मोहलत और दे दें। मिस्टर अनुराग, आप लॉयर हैं, आपको पता है कि कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए मैं आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का चार्ज लगा सकता हूं। योर ऑनर, कोर्ट की गंभीरता और मर्यादा का एहसास है मुझे, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे कुछ देर की मोहलत आप और दे दें, इंसाफ के लिए, न्याय के लिए और सच दुनिया के सामने आए उसके लिए। प्लीज योर ऑनर, बस कुछ देर की मोहलत।